दो मंत्र थे बाबा साहब की जिंदगी के, संघर्ष और सेवा, और हमारे ऊपर ये दोनों लागू होते हैं। जब अपनी 70 में से 67 सीट आई थी तो मैंने सोचा था चलो अब संघर्ष पूरा हुआ, अब सेवा करेंगे, लेकिन इन्होंने जो तंग करा हम लोगों को, काम नहीं करने दिया, इतने अड़चन अड़ाई, इतने एक के बाद एक कानून लेके आ रहे हैं, ये भी पावर हमारी, ये भी पावर हमारी, केजरीवाल की कोई पावर नहीं है कि बिना पावर के भी हमने इतना काम कर दिया। तो तब मेरे को अब लगने लगा कि आम आदमी पार्टी तो पैदा ही संघर्ष के लिए हुई है। जो जो आम आदमी पार्टी में आए वो ये सोच ले भाई ये कांटों का ताज है, हम पैदा ही, हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष में ही जीना है अपने को। जैसे बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन ही संघर्ष था, हमें भी संघर्ष में ही जीना है। आज भी ये मतलब कभी ये काम रोकेंगे, कभी वो काम रोकेंगे, अफसर तुमको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, काम नहीं करने देना इन लोगों को, और हमने भी ठान लिया काम तो करके रहेंगे हम लोग। जब हम सड़क पे थे तभी काम करवा लेते थे इन लोगों से, अब तो हम अंदर आ गए कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाएंगे। तो एक तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा, आज आपके 3-4 नेता जेल के अंदर हैं, आज अगर वो झुक जाएं, अगर वो इनकी बात मान लें, अगर वो आज बीजेपी में चले जाएं, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया को देखो, उनकी वाइफ कितनी बीमार है, कितनी ज्यादा बीमार है, उनका बेटा कनाडा में है, उनके घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी 10 महीने हो गए जेल में उनको। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी के साथ हाथ मिला लें अपना अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के और भगत सिंह के चेले हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।